नमस्कार न्यूज इंडिया, आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ के डीजी बने। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अनीश दयाल सिंह। राहुल रसगोत्र आईटीबीपी के नए डीजी बनाए गए। नीना सिंह सीआईएसएफ की नई डीजी बनाई गई। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी अनीश दयाल सिंह, बड़ी जिम्मेदारी। राहुल रसगोत्र आईटीबीपी के नए डीजी बनाए गए। वहीं अयोध्या में नए हवाई अड्डे के नाम का ऐलान, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। 30 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। बड़ी खबर यह, अयोध्या में नए हवाई अड्डे के नाम का ऐलान हो गया, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम होगा। 30 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। बड़ी खबर यह, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के अयोध्या आगमन से पहले अयोध्या नगरी को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। हमारी सहयोगी पूजा मोहन पांडे ने अयोध्या नगरी का जायजा लिया है, देखिए आप। रघुराई सरकार के आगमन के लिए अयोध्या सज रही है, और जब राम का जिक्र हो रहा है, प्रभु श्री राम का जिक्र हो रहा है, तो सूर्य वंश का जिक्र भी होता है, क्योंकि प्रभु श्री राम सूर्य वंश में ही जन्मे थे। देखिए, मैं जिस मार्ग पर खड़ी हूँ, ये है धर्मपथ, और धर्मपथ पर मौजूद हैं सूर्य स्तंभ। इनकी बहुत बड़ी भूमिका है अयोध्या के धर्मपथ को, ये खास बनाते हैं सूर्य स्तंभ, जिनके स्तंभ के बीच में आपको जय श्री राम लिखा हुआ दिखेगा, और ऊपर प्रदीप्तमान सूर्य नजर आएंगे। सूर्य जो कि भगवान श्री राम के वंश के परिचायक हैं, सूर्य जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशमान करते हैं, सूर्य जिनके कुल में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, और भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को तारा, वही सूर्य धर्मपथ पर भी नजर आएगा। धर्मपथ की जब शुरुआत जहां से हो रही है, धर्मपथ की शुरुआत का एंडिंग गेट जो है, वहां पर एक प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। वो प्रतिमा होगी सूर्य देवता की, और सूर्य देवता की प्रतिमा का जब जिक्र होता है, तो कहा जाता है कि सूर्य देवता के जो रथ में 7 घोड़े थे, 7 घोड़ों के साथ सूर्य देवता धर्मपथ की शुरुआत में विराजमान होंगे, उनकी मूर्ति विराजमान होगी। और मूर्ति के बाद जब धर्म पथ की शुरुआत होगी, तो इसी तरह से 10 पिलर्स इधर और 10 पिलर्स उधर, यानी कि पूरे पथ की अगर बात की जाए, तो इस पूरे पथ पर 40 के करीब पिलर्स बनाए गए हैं, जिनका नाम सूर्य स्तंभ रखा गया है। सूर्य यानी कि ऊर्जा, सूर्य यानी कि शक्ति, सूर्य यानी कि प्रकाश, और सूर्यवंशी भगवान श्री राम, पर प्रभु श्री राम, जो कि 22 तारीख को, 22 जनवरी को अपने धाम में विराजमान होने वाले हैं, और उन्हीं के लिए अयोध्या को हर तरह से राम के लिए सुयोग्य बनाया जा रहा है, उनके योग्य बनाया जा रहा है। तो धर्म पद से राम पद की ओर जब आगे बढ़ेंगे, तो आप अगर अयोध्या आ रहे हैं, तो ये सूर्य स्तंभ आपका इंतजार कर रहे हैं। इन स्तंभों को देखिएगा और प्रेरणा लीजिएगा कि अगर एक सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को रोशन कर सकता है, तो हम और आप ईश्वर की ही संरचना है। सोचिए हम में कितना सामर्थ्य होगा। प्रभु श्री राम ने जब मर्यादाएं स्थापित करी, उस दौरान देश को, विश्व को उन्होंने ये सिखाया कि मनुष्य की जो क्षमता है, वो कुछ भी कर सकती है, सेतु को भी बांध सकती है समुद्र पे। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, अयोध्या।
30 दिसंबर के लिए अयोध्या सज रही है, बस मोदी जी का इंतजार है। सज रही है क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए लता मंगेशकर चौक है, विदेशी फूलों से लता मंगेशकर चौक को सजाया जा रहा है और इसी तरीके से अलग अलग तरह के गेंदे के फूलों का इस्तेमाल किया गया है। गेट बनाए गए हैं, 50 के करीब गेटों की संख्या है जिनका निर्माण किया गया है। धर्म पथ से लेकर राम पथ तक इसी तरह की डेकोरेशन अयोध्या में देखने को मिलेगी। 500 कुंटल से ज्यादा फूलों से अयोध्या को सजाया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये लता मंगेशकर चौक की तस्वीरें, फूलों से सजी हुई अयोध्या। और ये जो तस्वीरें हैं ये आपको रोमांचित कर देंगी। इसके साथ ही आपको जो तस्वीरें दिखाएंगे, देखिए साथ में सुरक्षा व्यवस्था भी मैं दिखाती हूँ, चलती हूँ, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर तैयार की गई है। क्योंकि मोदी जी आने वाले हैं तो मोदी जी के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। साथ में धर्म पथ से लता मंगेशकर चौक होते हुए ये रास्ता जाता है राम पथ की ओर, और राम पथ में तैयारियां कैसी की गई हैं वो भी देखिए। देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में, नरेंद्र मोदी के स्वागत में यहाँ पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए गेट बनाए गए हैं। 50 से ज्यादा इनकी तादाद है गेटों की। फूलों से पूरी अयोध्या को सजाया गया है। 500 कुंटल से ज्यादा गेंदे के फूल लाए गए हैं और इन्हीं गेंदे के फूलों से पूरी अयोध्या को सजाया गया है। और मेरे कैमरा पर्सन से मैं कहूंगी कि एक बार वो दिखाएं आपको कि किस तरीके से इस गेट को सजाया गया है। पूरी अयोध्या के अंदर धर्म पथ से लेकर के राम पथ तक इसी तरीके से फूलों के गेट बनाए गए हैं। यही वो रास्ता है जिससे मोदी जी का रोड शो हो करके आगे रेलवे स्टेशन की तरफ आगे बढ़ेगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस सजावट के लिए गेंदे के फूलों का इस्तेमाल किया गया है। गेंदे के फूल की दो ब्रीड होती हैं, जिसमें केसरिया रंग का गेंदे का फूल होता है और पीले कलर का होता है, तो दोनों ही तरह के फूलों का इस्तेमाल। और ये जहां पर हम चल रहे हैं ये है राम पथ। राम पथ को पूरा भगवामय कर दिया गया है मोदी जी के पहुँचने से पहले। अयोध्या सज कर तैयार हो रही है और अयोध्या के सजकर तैयार होने में इस तरह के गेट्स का, और देखिए किस तरीके से सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। गेट्स का निर्माण के लिए गाड़ियां लगातार टेंट हाउस की तरफ से आ रही हैं। बैरिगेटिंग्स की गई हैं किनारे किनारे, क्योंकि प्रधानमंत्री इसी तरह के गेट से होते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इस तरह से देखिए गेंदे के फूल, पीले गेंदे के फूल और केसरिया गेंदे के फूल, साथ में जो अशोक के पत्तों की तोरण होती है उसका इस्तेमाल किया गया है, साथ ही घंटियां लगाई गई हैं। और पूरे के पूरे राम पथ में, पूरे के पूरे धर्म पथ में इसी तरह की शुभता नजर आ रही है। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले 30 तारीख से पहले अयोध्या सज कर तैयार हो गई है और तैयार हो रही है। 500 कुंटल से ज्यादा गेंदे के फूल, 50 से ज्यादा इस तरह के गेट का इस्तेमाल, जिससे जिस मार्ग से प्रधानमंत्री होकर के गुजरेंगे, यानी कि सिर्फ एक ही बात कि 30 दिसंबर का है इंतजार, अयोध्या सच कर है तैयार, मोदी जी का है इंतजार। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, अयोध्या। वहीं कांग्रेस की न्याय यात्रा पर बीजेपी का वार, बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यात्रा पर सवाल उठा रही हैं। अन्याय करने वाले आजकल न्याय का ढोंग कर रहे हैं। कांग्रेस की न्याय यात्रा पर बीजेपी का वार, बड़ी खबर ये, क्योंकि कांग्रेस ने न्याय यात्रा की शुरुआत अब की, उसी को लेकर ये सवाल केंद्रीय मंत्री ने खड़े किया। अन्याय करने वाले आजकल न्याय का ढोंग कर रहे हैं, कांग्रेस की न्याय यात्रा पर बीजेपी का वार ये। वहीं इंडिया गठबंधन में एक बार फिर अब सवाल उठ रहे हैं। दरअसल जेडीयू और आरजेडी ने खुद मिलकर बिहार की लोकसभा चुनाव अपने अपने हिसाब से बांट लिया, जिसमें जेडीयू और आरजेडी ने खुद के लिए 17-17 सीटें रख ली हैं और कांग्रेस के लिए 5 सीटें छोड़ी हैं, जिसको लेकर कांग्रेस से पूछा तक नहीं गया। वहीं इस मुद्दे पर हमारे सहयोगी आनंद कुमार सिंह ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सही शहनवाज हुसैन से खास बातचीत की है, देखिए आप।
इंडिया गठबंधन पर एक बार फिर सवाल निशान लग रहा है। दरअसल जेडीयू और आरजेडी ने बिहार लोकसभा सीटों में 17-17 सीटें अपने हिसाब से अपने अनुसार बांट ली है और कांग्रेस को अभी तक इस मुद्दे पर 4-5 सीटें देने को लेकर बोला है। लेकिन अगर बात करें बीजेपी की, बीजेपी इस मुद्दे पर क्या सोचती है, हमसे बात करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन साहब। सर, आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, मैं तो देख ही नहीं सकता इसको, हमारी नज़र ही उधर नहीं है, हम तो दूसरे काम में लगे हुए हैं कि कैसे बीजेपी 40 सीट जीते। वो कितना लड़ेंगे कितना हारेंगे ये हम बता सकते हैं कि वो लड़ेंगे जो भी, हारेंगे सारे ही। आरजेडी है 0, कांग्रेस है 1, वो हो जाएगी 0, और इस बार जेडीयू भी 0 पे आउट हो जाएगी। तो इसलिए लड़ लें, कितना 40 पे 45 लड़ लें, क्या फ़र्क पड़ रहा है। सर, इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए, आप देखिए पहले जेडीयू नाराज होकर बाहर चली गई, अभी तक लोकसभा चुनाव चंद महीने दूर हैं, अभी तक संयोजक से लेकर सीट शेयरिंग तक पर कोई बात नहीं बन पाई है। न बनी है न बनेगी, ये इंडिया अलायंस जो है वो सिर्फ रूठे लोगों का संगठन है। वो पार्टी करनी होती जैसे किट्टी पार्टी करते हैं ना, आज तेरे यहाँ खाने आएंगे, आज तेरे यहाँ खाने आएंगे। कभी बिहार में लिट्टी चोखा तो कहते नहीं, बटाटा बड़ा खाना है तो मुंबई चले गए, इडली सांभर खाना है तो बेंगलोर चले गए। ये इसी तरह घूमते हैं, फिर दिल्ली के छोले भटूरे भी खा लिए इन्होंने। ये लोग नेता हैं, किसी बहाने मिलते हैं, फ़ोटो भी आनी चाहिए। तो असली जो मकसद है वो फ़ोटो आ जाए और बढ़िया भोजन मिल जाए, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। हमसे बात करने के लिए बेहद ही शुक्रिया सर। कैमरामैन मनीष के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, न्यू दिल्ली। वहीं यूपी की तर्ज पर राजस्थान में भी भजनलाल सरकार गैंगस्टर के खिलाफ एक्शन में उतर आई। सरकार ने अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए और गैंगस्टर के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए बुलडोजर नीति अब शुरू कर दी। इसी कड़ी में पुलिस की सूचना पर जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्या करने वाले शूटर रोहित राठौर के घर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। रोहित सिंह सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड का आरोपी है। 10 दिसंबर को जयपुर पुलिस ने आरोपी रोहित राठौर और नितिन फौजी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था। डीजीपी उमेश मिश्रा ने बताया कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। पूरे मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए कर रही है। वहीं जयपुर की मालवीय नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में विधायक कालीचरण सराफ, पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष सुमन शर्मा, बीजेपी महिला मोर्चा की महामंत्री और पार्षद जयश्री गर्ग मौजूद रहीं। शिविर में बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने शिरकत की और योजनाओं का लाभ लिया। इस दौरान मोदी गारंटी वैन भी रवाना की गई। वहीं मालवीय नगर से विधायक कालीचरण सराफ ने न्यूज इंडिया के संवाददाता छवि अवस्थी से खास बातचीत किए देखिए। की गई जयपुर की तस्वीर। हमारे साथ मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ हैं। सर, सबसे पहले तो ये जिस तरीके के कैंप लगाए जा रहे हैं आमजन को लाभ पहुंचाने के लिए, इसके लिए क्या करें? देखिए, मोदी जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। 15 नवंबर से पूरे देश में इस प्रकार के विकसित भारत संकल्प यात्रा का कैंप लग रहा है और हमारे राजस्थान में 15 दिसंबर से ये कैंप चालू हुए हैं। जिस प्रकार का रिस्पॉन्स पब्लिक आ रहा है, लाखों लोग इसमें फायदा ले रहे हैं। जैसे अभी एक व्यक्ति मुझे, उसने कहा कि साहब मेरे पैरालिसिस है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को कैंप में क्या सहायता मिलेगी। तो उसी समय हमने कहा कि आप स्वयं निधि योजना में आप फार्म भरिए और 10,000 रुपये का चेक हाथों हाथ ले जाइए और बिना ब्याज के, बिना किसी गारंटी के। और ये 10,000 आप चुका देंगे तो आपको 20,000 मिलेंगे, 20,000 चुका देंगे तो आपको 50,000 मिलेंगे,
और 50,000 चुका दिए तो 1,00,000 रुपए मिलेगा। इस प्रकार की योजनाएं, इस प्रकार की यहाँ जो चल रही है, और जहाँ तक अपने भारत के लोग अपना हेल्थ चेकअप नहीं कराते, कितना बीपी है, कितना शुगर है, पर यहाँ हेल्थ कैंप भी लगा हुआ है, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और वो सबका स्वास्थ्य की जांच भी कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे उज्ज्वला योजना के अंदर जिन बहनों को जो हकदार हैं बीपीएल परिवार की और बाकी महिलाएं जिनको ये लाभ नहीं मिल रहा, वो भी यहाँ पर मिलकर यहाँ आकर के कैंप में अपना इसका फायदा ले सकती है। सर, इसी के साथ अभी प्रताप सिंह खचरियावास का एक बयान आया, उनका कहना है कि भाजपा का अभी स्वागत और माला और ये पहनाने का खत्म नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं जो विस्तार में और मंत्रिमंडल गठन में जो देरी हो रही है उसको लेके घेरने की कोशिश। देखिए, प्रताप सिंह जी क्योंकि विपक्ष के हैं और वो अपने बड़बोलेपन के कारण जनता ने उनको सबक सिखा दिया और 26,000 से वो हारे हैं, तो उनकी बात पर कोई जनता उनको सीरियस नहीं लेती। वो इसी प्रकार से बड़बोलेपन से ये अपना स्टेटमेंट देते रहते हैं। मैं तो उनको ये कहना चाहूँगा कि ये सरकार बनने के बाद जनता को इसका फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मंत्रिमंडल ये हमारा आंतरिक मामला है, ये होता रहेगा, पर हमारे मुख्यमंत्री जी इतने सक्रिय हैं कि उन्होंने जो संकल्प पत्र में गारंटी दी थी, मोदी की गारंटी, आज 1 जनवरी से 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। ये थे हमारे साथ मालवीय नगर से विधायक कालीचरण सराफ, जिनका कहना है कि मंत्रिमंडल गठन अंदर की बात है, लेकिन वहीं जो आरोप प्रत्यारोप का दौर कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है उस पर भी करारा जवाब दिया। न्यूज इंडिया के लिए कैमरामैन सुनील के साथ छवि अवस्थी की रिपोर्ट। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा गुरुवार को विधानसभा क्षेत्र चाकसू की करेड़ा खुर्द पहुंची। आयोजित कार्यक्रम में विधायक राम अवतार बैरवा ने शिरकत की। इस दौरान केंद्र की सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करते हुए प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस बीच विधायक राम अवतार बैरवा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का सरल और प्रभावी माध्यम बन रही है। करेड़ा खुर्द में आयोजित शिविर में विधायक बैरवा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को जनता की समस्याओं को सुनकर समाधान करने की बात कही है। इस अवसर पर SDM गुलाब सिंह वर्मा, स्थानीय सरपंच आशा चौधरी समेत कई लोग वहां पर मौजूद रहे। वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु में कन्नड़ भाषा में साइन बोर्ड नहीं लिखने के खिलाफ सीएम सिद्धारमैया ने फरमान अब जारी किया। सीएम सिद्धारमैया के नए आदेश के बाद पूरे राज्य में साइन बोर्ड का 60% हिस्सा कन्नड़ में लिखना अनिवार्य होगा। इस आदेश की समय सीमा 28 फरवरी तक तय की गई है। कन्नड़ में साइन बोर्ड नहीं लिखने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कर्नाटक रक्षणा वेदिके के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद कन्नड़ समर्थक संगठन राज्य सरकार के खिलाफ भड़क उठे, जिसके बाद सीएम सिद्धारमैया ने अचानक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और नया फरमान जारी किया कि 28 फरवरी 2024 तक दुकानों का बोर्ड बदल दिया जाना चाहिए, विज्ञापनों में भी सरकारी नियमों का पालन होना चाहिए। वहीं झालावाड़ सदर थाना क्षेत्र में हुए गैंगरेप मामले का पुलिस ने खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में SP ऋचा तोमर ने बताया कि कपासिया कुआं क्षेत्र में एक महिला पॉलिथीन इकट्ठा कर रही थी, इसी दौरान वहां मौजूद 5 युवकों ने महिला को घेर लिया और घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने बताया कि वो घटना के बाद बेहोश हो गई थी, कुछ लोगों ने अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद SP ने घटना को गंभीरता से लेते हुए SIT गठित की। इसके बाद पुलिस ने तत्परता से काम किया और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की, जिसके बाद मामले में 2 नाबालिग को चिन्हित किया गया और उनको गिरफ्तार किया गया। वहीं नए साल से पहले यूपी कैडर की 34 IPS अधिकारियों को प्रमोशन का तोहफा मिला है। गुरुवार को गृह विभाग ने 2009 और 10 बैच के IPS अधिकारियों के SSP से DIG के पद पर प्रमोशन का आदेश अब जारी कर दिया। प्रमोशन पाने वाले अधिकारियों में तेज तर्रार ऑफिसर वैभव कृष्ण, प्रभाकर चौधरी, गौरव सिंह और कलानिधि नैथानी जैसे IPS अधिकारी शामिल हैं। वहीं कौशाम्बी के सैनी थाना क्षेत्र में 10वीं की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत के बाद परिजन इंसाफ के लिए शव को लेकर पुलिस के पास पहुंचे। परिजनों ने आरोप लगाया कि गांव के युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, साथ ही कहा कि गुनाह छिपाने के लिए उसे जहर भी खिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी परिवार सहित फरार हो गया। परिजनों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी और कानूनी कार्रवाई की मांग किया।
वहीं मुजफ्फरनगर में एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। राहगीरों ने शव को देखकर पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मृतक की पहचान के लिए ग्रामीणों से पूछताछ में जुटी है। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।